सर आज 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम लोग रमोली चौक पे एक ज़मीन खरीदे हैं, उस पर मकान बना रहे हैं। आगे ने 57 पे दिलीप राय बेताब राय और पिता घट्टर राय एक चाय दुकान किए हुआ है। वो अचानक पहले से धमकी दे रहा था 5 लाख रुपए दो तब मकान बनाने देंगे। और हम लोग अपना पीछे काम कर रहे थे, हम नहीं समझ रहे थे कि ऐसा करेगा, और आज जान से मारने की कोशिश किया है और रॉड लेकर के जानलेवा हमला कर दिया। गायघाट थाना के रमौली चौक के पास एक मिठाई दुकानदार को कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उक्त व्यक्ति से रंगदारी की मांग की थी, नहीं देने पर उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। मामला गायघाट थाना क्षेत्र के रमौली चौक की है, जहां मिठाई दुकानदार रंजीत यादव मकान निर्माण कार्य में लगा हुआ था। तभी पास के ही कुछ लोगों ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिसमें उसे गंभीर चोट आई है। मामले को लेकर रंजीत ने बताया कि जमीन के पास के कुछ लोगों ने 5 लाख की रंगदारी की मांग की है और उसको लेकर बुरी तरीके से लाठी डंडे से पिटाई कर दी। सर आज 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम लोग रमौली चौक पे एक ज़मीन खरीदे हैं, उस पर मकान बना रहे हैं। आगे ने 57 पे दिलीप राय बेताब राय और पिता घट्टर राय एक चाय दुकान किए हुआ है। वो अचानक पहले से धमकी दे रहा था 5 लाख रुपए दो तब मकान बनाने देंगे। और हम लोग अपना पीछे काम कर रहे थे, हम नहीं समझ रहे थे कि ऐसा करेगा, और आज जान से मारने की कोशिश किया है और रॉड लेकर के जानलेवा हमला कर दिया। क्या क्या घटना है? रमौली चौक का है और रमौली चौक का वो गांव का निवासी है। आपका क्या नाम है? रंजीत यादव। कहाँ के रहने वाले? भगवतपुर गांव का। थाना गायघाट। जमीन कब लिए थे? जमीन 5-6 महीना पहले लिए है सर। आज काम करा रहे थे तो? जी घर बना रहे हैं उस पर। जी जबरन विवाद किया, जबकि उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई निशानी भी रहे जमीन का करे तो कुछ भी नहीं, वो बिहार सरकार में बसा हुआ। क्या कहा? कहा 5 लाख रुपए दो तब पिलर यहाँ ढालने देंगे, नहीं तो नहीं ढालने देंगे, नहीं तो जान से मार देंगे।